रहीम अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इनबॉर्न एरर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखिए, हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के कई प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं। अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि अगर किसी भी प्रोसेस में कोई भी एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए या अपना काम प्रॉपर परफॉर्म ना कर सके तो कौन कौन से एरर्स बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, इसमें कैटेगरीज हैं। नंबर वन इज हीमोलाइटिक अनीमिया। अब हीमोलाइटिक अनीमिया क्या है? इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन उनकी प्रोडक्शन से ज्यादा फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एनेमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। हीमोलाइटिक अनीमियाज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसीज ऑफ थ्री डिफरेंट एंजाइम्स। एंजाइम ए इज हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज हमने कहाँ डिस्कस किया था? जब हम ग्लाइकोजेनेसिस की बात कर रहे थे, वहां तो फर्स्ट रिएक्शन में ग्लूकोज, जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था तो मसल्स में हेक्सोकाइनेज ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था। ठीक है ना, अगर हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंट हो जाए तो ग्लूकोज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं हो सकेगी। ठीक, बी पे जो एंजाइम है वो है पाइरोवेट काइनेज। अब पाइरोवेट काइनेज कहाँ रिस्पॉन्सिबल था? ये फॉस्फोइनोल पाइरोवेट को पाइरोवेट में कन्वर्ट कर रहा था ग्लाइकोलिसिस में। अब अगर पाइरोवेट ही नहीं बन सकेगा तो ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट नहीं हो सकेगा। ठीक, सी पे एंजाइम देखिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम हमने डिस्कस किया था जब हम एचएमपी शंट पढ़ रहे थे, यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ठीक है, और ये ग्लूकोज को 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट कर रहा था। अब नंबर टू पे देखते हैं पाइरोवेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। अगर पाइरोवेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट हो जाए तो कौन सा रिएक्शन नहीं होगा? ये पाइरोवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल को ए में, और फिर एसिटाइल को ए टीसीए साइकिल में एंटर होकर एनर्जी जनरेशन का सबब बनता है। ठीक, अगर पाइरोवेट डीहाइड्रोजिनेज नहीं होगा तो डेफिनेटली एसिटाइल को ए फॉर्म नहीं हो सकेगा और फिर टीसीए साइकिल का रन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, जिससे एनर्जी की प्रोडक्शन भी रुक जाएगी। थर्ड पे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट इनटॉलरेंस डिसऑर्डर्स। इसमें ए है लैक्टोज इनटॉलरेंस। ये हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम लैक्टेज। ये एंजाइम लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का रिस्पॉन्सिबल है। जब लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो सकेगा तो डेफिनेटली नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया प्रोड्यूस होने लग जाएगा। ये लैक्टोज इनटॉलरेंस के सिम्टम्स हैं। इसी तरह नंबर बी पे देखते हैं फ्रक्टोज इनटॉलरेंस। यहाँ हमारे इंटेरोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी हमारी इंटेस्टाइन के सरफेस के जो सेल्स होते हैं वो फ्रक्टोज का ब्रेक डाउन करने के काबिल नहीं रहते, जिसकी वजह से फ्रक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसमें भी नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और गैस प्रोड्यूस होने लगती है। फोर्थ पे देख लेते हैं फ्रक्टोसूरिया, यानी फ्रक्टोज यूरिन में एक्सक्रीट होने लग जाए। ये हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हिपैटिक फ्रक्टोकाइनेज। नंबर फाइव गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोज इन ब्लड। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ गैलेक्टेज एंजाइम the digestion of galactose become improper, जिसकी वजह से ये ब्लड में प्रोड्यूस होने लग जाता है। सिक्स पे देख लेते हैं पेंटोसूरिया, यानी पेंटोज शुगर यूरिन में आने लग जाए। ये एक्चुअली शुगर कौन सी होती है? ये होती है ज़ाइलिटोल। ये यूरिन में आने लग जाती है, और ये किस वजह से होती है? इसकी कॉज कौन सा एंजाइम है? वो है एल ज़ाइलुलोज रिडक्टेज। सेवन पे देखते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स। देखिए, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नंबर एट पर आ जाता है म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस।
इसमें बॉडी म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स को ब्रेक करने के काबिल नहीं रहती, जिसकी वजह से इनकी अक्यूमुलेशन हो जाती है और फिर ये कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को इन तमाम डेफिशिएंसीज से महफूज रखें, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आई होप के इनबॉर्न एरर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।